मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक निर्णय के लिए और उनके साथ योगी जी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। छद्म धर्म निरपेक्षता पूरे भारत की राजनीति की विधा बन गई। अगर हम अपने धर्म और अपने संस्कृति की बात करें तो हमें सांप्रदायिक कहा जाने लगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति कांग्रेस में चला जाए तो या अन्य समाजवादी में चला जाए तो रातों रात धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। साक्षी महाराज अगर मुलायम सिंह जी द्वारा समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भेजे जाते हैं तो धर्मनिरपेक्ष, और वही साक्षी महाराज अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो सांप्रदायिक। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की इतनी हास्यास्पद स्थिति भारतीय राजनीति में जैसी आज है मैंने कभी नहीं देखी। इसलिए योगी जी के लिए यह कहना वो किसी वर्ग या संप्रदाय के विरोधी हैं या वह किसी जाति विशेष से संबंधित हैं, ये उनके व्यक्तित्व का बिल्कुल गलत आकलन है। योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के भी नेता हैं, विनम्रता के प्रतीक है, हिंदू धर्म और संस्कृति के भी अधिष्ठाता हैं, और उनके अंदर बहुत ईमानदारी के साथ निष्ठा और समर्पण का भाव है। ऐसे सभी तत्वों का समन्वय तभी होता है जब ईश्वरीय विधान और प्रारब्ध दोनों मिलते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य का शक्ति संतुलन और प्रशासनिक संतुलन एक व्यक्ति द्वारा सचमुच असंभव है। मौर्या जी और दिनेश शर्मा जी लखनऊ के मेयर के रूप में उनकी ईमानदारी के चर्चे हर जगह हैं, और वो सामान्य कार्यकर्ता से ऊपर आए हुए व्यक्ति हैं, किसी बड़े घर में उत्पन्न हुए विरासत की राजनीति के प्रतीक नहीं। ऐसा ही मौर्या जी के लिए है। समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, सभी को स्थान, सबका साथ, सबका विकास, ये मोदी जी के मुखारविंदों का प्रस्फुटन या जुमले या अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की विधा ये उनके चित्त में है। इसकी व्यावहारिकता और प्रासंगिकता दोनों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में सुशासन का यह निर्णय लिया गया। मैं समझता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, रमारमण, नवनीत सहगल ऐसे लुटेरे अफसरों का प्रभुत्व, आबकारी से लेकर के बच्चों के खाने तक की आपूर्ति में हो रही धांधली, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषित संकल्प पत्र के अनुरूप सभी भ्रष्टाचारी अधिकारी और व्यापारियों को सबक सिखाएगी और सत्ता और शासन में एक आमूलचूल परिवर्तन कर उत्तर प्रदेश, जिसे बीमार प्रदेश कहा जाता है, उसको एक चिकित्सक की तरह सुधारने का प्रयत्न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निर्देश में और योगी जी के मजबूत और दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के समन्वय से निश्चित रूप से होगा। ये आशा सिर्फ मेरे ऐसे सामान्य व्यक्ति की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की आशा है जो इतने बड़े प्रचंड बहुमत के रूप में प्रतिफलित हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य और भारत माता के कीर्तिमान अग्रणी वैश्विक नेतृत्व की
कामना करते हुए योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। गुंडा राज क्या है? जब संविधान में निर्धारित मूल्यों और मान्यताओं के प्रतिकूल उच्छृंखल अराजक तत्व अपने कानून की निर्मिति स्वयं करते हैं, स्थापित उल्लेखित संवैधानिक कानूनों का सरेआम नंगा उल्लंघन करते हैं, आजम खान ऐसे लोग भारत माता को डाइन कहते हैं, कश्मीर में हो रही जवानों की शहादत का खुलेआम अपमान करते हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष का जन्मदिवस मनाने के बाद उस उपक्रम में दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम के सहयोग की खुली अभिव्यक्ति करते हैं, तो बखौल उड़ाते हैं संविधान का, स्थापित मूल्यों का, मर्यादाओं का। महिला चाहे जयप्रदा हो, महिला चाहे मायावती हो, जब उनके लिए कहते हैं कि अखिलेश जी का नाम लेते हुए कि बबुआ जवान हो गया है, बहन जी आपको बुआ कहता है लेकिन बुआ जी बबुआ की गोद में बैठिए बड़ा मजा आएगा, यही गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी सिर्फ सड़क का उत्पात नहीं है, भावनाओं की अभिव्यक्ति से विभाजन की राजनीति, शहीदों के अपमान की राजनीति, भारत माता की एक संस्तुति की अपमान भरी टिप्पणी, उसकी अभिव्यक्ति, यह सब गुंडा राज का ही प्रतीक है। कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिवस रामपुर में मनाते हैं और कहते हैं खर्चा दाऊद और अबू सलीम ने दिया, चाहे मजाक में ही कह रहा हूं, चाहे तंज में कह रहा हूं, लेकिन आप गांधी और नेहरू और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम क्यों नहीं लेते? उनकी प्रेरणा से आप मना रहे हैं। राष्ट्रवादियों का नाम क्यों लेते? आप इन्हीं दो कुख्यात अपराधियों का नाम क्यों लेते हैं? ये गुंडागर्दी है। आप खुलेआम ये बयान देते हैं कि मुसलमान डर गया है, बताओ क्या वो पाकिस्तान चला जाए? क्यों डर गया है? इसलिए कि आपने रामपुर में गलत तरीके से जमीनें हड़पी, इसलिए कि चार दिन के एक राज्यपाल ने गलत तरीके से आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्वीकृति दिया है जो आपकी बपौती हो गई, ये गुंडागर्दी है। इसलिए कि सार्वजनिक संपत्ति जो एनिमी प्रॉपर्टी है उसको आपने दखल कर लिया है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है, ये गुंडागर्दी है। इसलिए कि FRCA का के प्रावधान के अंतर्गत आप विदेश से पैसा नहीं लाए हैं और मनमाना उत्पात करके आपने एक अकूत 5 वर्षों में 2000 करोड़ का धन संग्रह किया आजम खान साहब, ये गुंडागर्दी है। तो गुंडागर्दी प्रशासन की है, गुंडागर्दी पद के दुरुपयोग की है, गुंडागर्दी समाज में विभाजन पैदा करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने की है। और अगर शीर्ष पर ऐसे गंदे लोग बैठे रहेंगे तो वो नीचे तक प्रतिफलित होगा। पहला काम योगी जी ने किया है कि DGP जावेद अहमद को बुला के कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अगर उत्सव कार्यकर्ता बनाए, हमारे समर्थक बनाए, तो इसमें कोई अभिव्यक्ति की नग्नता नहीं होनी चाहिए, कोई भोंडा शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पहली बात जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुमत से सरकार बनती है, सर्वमत से सरकार चलती है। बहुमत से सरकार बनती है तो सब जानते हैं, लेकिन बहुमत के बाद सर्वमत आना चाहिए, ये किसने बोला? किस प्रधानमंत्री ने बोला? किस राजनीतिक व्यक्ति ने बोला? तो बहुमत अगर शरीर है तो सर्वमत उस शरीर की आत्मा है। किसने कहा कि अगर इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है तो विनम्र हो जाइए, क्योंकि हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, फलदार साख है, लचकती जरूर है। तो ये जो विनम्रता की लचक है, विनम्रता का झुकाव है, क्योंकि राजनीति की इस साख पर जनता के प्रचंड समर्थन के फल इतने लद गए हैं कि झुकना मजबूरी है। ये एक बड़ा परिवर्तन है, शुभ परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है, इस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए।
सर, तो आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण बना है सपा के गिरने का? कुछ बड़ों का अपमान, चाचा का अपमान, अंकल का अपमान, पिता का अपमान, अधिकारियों के माध्यम से धन उगाही, वही भ्रष्ट अधिकारी रामारमन और नवीन सहगल मायावती के कार्यकाल में, वही भ्रष्ट अधिकारी अखिलेश जी के कार्यकाल में, वही पुरानी शराब, वही बोतल खाली, बिल्ला अलग, पहला बिल्ला नीला, दूसरा बिल्ला समाजवादी रंग का। तो अगर सिर्फ बिल्ला बदले जाएंगे, अधिकारी वही रहेंगे, व्यापारी वही रहेंगे, भ्रष्टाचार के दोहन के संसाधन वही रहेंगे, दायरा वही संकुचित रहेगा, तो जो उलट पुलट की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही थी, सपा या बसपा, और जो एक अद्भुत चीज सामने आई है कि भाई महागठबंधन बनेगा जिसमें सपा भी आएगी, बसपा भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, तो चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से पहली बार एक मुख्यमंत्री आए हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, मूस मोटाई तो लौड़ा हुई और का हाथी घोड़ा हुई। मूस चूहे को कहते हैं कि अगर वो बहुत मोटा होगा, बहुत बड़ा होगा तो लोढ़ा हो जाएगा, हाथी घोड़ा तो नहीं होगा। तो ये सारे लोग मिलकर के, इनकी चूहों ऐसी स्थिति हो गई, 19 सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिला के 40 के अंदर सिकुड़ा हो, तो अगर सब मिल जाएंगे तो 40 का 100 हो जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी अभी पार्टी नहीं है, अब ये मूवमेंट हो गया है, अब ये एक क्रांति हो गई है, और इस क्रांति के नायक नरेंद्र मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी क्रांति नायक हैं और योगी जी क्रांति दूत। तो क्रांति की जो लहर है, परिवर्तन की जो धारा है, उसका वेग इतना है जनता के आक्रोश के कारण, अब तक व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, अब तक व्याप्त धांधली के कारण, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर तरह का भ्रष्टाचार दीमक की तरह इतना चाट चुका है हमको कि एक तरह से जनता का विद्रोह है जो मतों के रूप में प्रस्फुटित हुआ है, और इन सभी तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षता वाले दलों के नेताओं का यह पागलपन का बेहुदा बयान कि मशीन में गड़बड़ हुई है, मीठा मीठा घूंट और कड़वा कड़वा थूक, अखिलेश जी जीते हैं तो मशीन ठीक है, हार जाए तो मशीन खराब है, मायावती जीते हैं तो मशीन ठीक है, मायावती हार जाए तो मशीन खराब है, केजरीवाल दिल्ली में जीते हैं वही मशीन जिता दे तो मशीन ठीक है, और मशीन हरा दे तो मशीन खराब है। ये मीठा मीठा घूंट और कड़वा कड़वा थूक की राजनीति लोग छोड़ दें। जो राष्ट्रवाद की नई परिभाषा हमारे देश का बहुसंख्यक युवा जो समझ रहा है, उसको आत्मसात करने का निर्णय लें, हिम्मत जुटाएं, देश की प्रमुख धारा जो राष्ट्रवाद और अपनी संस्कृति की धारा है, ये सांप्रदायिक धारा नहीं है, राष्ट्रवादी धारा है, इसके साथ जुड़ने का काम करें और इस सत्य को समझें। नहीं समझेंगे तो वो राजनीति करना चाहें तथाकथित लोग, जनता इन्हें राजनीति नहीं करने देगी, वही स्थिति होगी, सब मिल जाएं, ये महागठबंधन नहीं, महाहठबंधन होगा जनता के विरुद्ध, और इस महाहठबंधन का हाल वही होगा जो मैंने कहा, मूस मोटाई लोढ़ा होई और कहा थी घोड़ा होई। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी एक बात पे बहुत ज्यादा जोर देती थी, ना कि के बहुजन समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल थी, वो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो सिर्फ हिंदुत्व का नारा लेकर आएगी, राम मंदिर का नारा लेकर आएगी, वो मुसलमानों के साथ भेदभाव करेगी, और कई बार ऐसे बोलते पाए गए हैं, ऐसे सब बयान देते देखिए, हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा है कि राम मंदिर कानून को तोड़ के बनाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कानून के दायरे में मंदिर का निर्माण होगा। तो यह बात तो मुलायम सिंह जी भी कहते रहे कि या तो दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुसलमान भाई, मिलकर के आपस में तय करके मंदिर बनाए, और अगर ये संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपना एक संदेश दे, निर्णय दे, उस निर्णय को हिंदू और मुसलमान दोनों माने। तो अब की बार तो मेरी समझ से योगी जी अथवा नरेंद्र मोदी जी
या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदार नेता, उसने तो ये नहीं कहा कि मंदिर हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, न्यायालय का निर्णय जो भी हो हम खून बहा करके मंदिर बनाएंगे, तो ये तो उनके संदेश में भी नहीं है। और प्रधानमंत्री के तमाम वक्तव्यों में सबका साथ सबका विकास, बल्कि बनारस की यात्रा में एक मुसलमान महिला ने जो उन्हें शॉल दी उसे उन्होंने मस्तक से लगा करके अंगीकृत किया। तो और देवबंद जो कि इस्लाम की धरती मानी जाती है, देवबंद ऐसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का एक क्षत्रिय प्रत्याशी जीता है। तो अब देवबंद में इसका तात्पर्य है कि संभवतः तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का भी बहुतायत मत भारतीय जनता पार्टी को गया है। अगर ऐसा ना होता तो देवबंद में जो इस्लाम का की एक तरह से बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाली एक पावन स्थली है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतती? और मैं ये कहने में भी मुझे गुरेज नहीं, ये नई भारतीय जनता पार्टी है, यह अभिव्यक्ति के मामले में और राष्ट्रवाद के अभिव्यक्ति के मामले में ये ज़्यादा मुखर, ज़्यादा दृढ़ और ज़्यादा संकल्पित है। और इस भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से ऐसी स्थिति कभी कभी आती है कि व्यक्ति अपने मूल संगठन से भी बड़ा हो जाता है और मूल संगठन की मजबूरी हो जाता है। इसको बहुत लोग अच्छी नज़र से देखेंगे, बहुत लोग अपनी टिप्पणियाँ करेंगे। अभी राष्ट्रपति का मुंबई में ही भाषण हुआ था कि देश का राज एक सीजर ना करे, तो ये उनका मत हो सकता है, इसके अभिप्राय कोई कुछ भी लगाएं, लेकिन इस देश में सिर्फ सीजर ही राज करते रहे, चाहे सीजर का नाम महात्मा गांधी हो, सीजर का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सीजर का नाम इंदिरा गांधी हो, और आज का सीजर नरेंद्र मोदी है, ब्रांड मोदी। नमो नमो किसी व्यक्ति किसी संस्था से बड़ा एक ब्रांड बन गया, और ये ब्रांड देश के उग्र राष्ट्रवाद संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक प्रतीक बन गया है। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति को समझकर सभी लोगों को महागठबंधन की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को कि लोग बहुमत के बाद सर्वमत आवश्यक है, तो सर्वमत की उनकी सार्वजनिक अपील को वो स्वीकार करते हुए राष्ट्रवाद और संस्कृति की प्रधानमंत्री के इस सार्वजनिक पुकार में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि विरोध की जगह राष्ट्र निर्माण का काम हो। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, अलग अलग सुरों में तू तू मैं करके विघ्न डाल कर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जनता जागृत हो चुकी है। अधिकारी व्यापारी और चुने हुए राजनेताओं के कॉकटेल से चल रहे भ्रष्टाचार को समझ चुकी है। सर, कई ये जो परिणाम आया, जो चुनाव के राजनेताओं के बयान आए, उन्होंने कई कुछ तारीफें, कुछ लोगों ने तारीफें की तो कुछ लोगों ने धुतकारा इस चीज़ को कि मतलब समाजवादी पार्टी ने कहते ना वो हार गई इलेक्शन, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, उनका जिस तरीके से कैंपेन था वो बहुत बढ़िया रहा, इस वजह से वो जीते। लोगों का विश्वास अभी भी मोदी जी पे है, यही कारण रहा है कि मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीट सबसे। देखिए, ये कहना कि मूर्ख बनाया, ये कहना कि बहका दिया है, ये हताशा के बयान है। और तत्काल ये कह देना, ये एक सही आकलन नहीं है, क्योंकि अगर 3-4 साल 5 साल बाद इस प्रचंड बहुमत के बाद जनता के पास मोदी जी जाएं या योगी जी जाएं और तब तक मामला खुक्कल हो, आरोप प्रत्यारोप तब लगता है। अभी तो शपथ भी नहीं हुई कि आप शुरू हो गए, तो ये तो ऐसा हुआ कि आपने अवसर ही नहीं लेने दिया। और ये कुछ इस तरह की अभिव्यक्ति है कि मुझे तो तुम्हें गाली देनी है, मुझे तुम्हारी सूरत ही पसंद नहीं। हम इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि इस बदलाव को माने कि हम हार गए,
हम हार ही नहीं सकते, हम अखिलेश यादव हैं, हम हार ही नहीं सकते, हम अरविंद केजरीवाल हैं, हम हार ही नहीं सकते, हम मायावती हैं। हमारा प्रारब्ध नहीं है कि हम हारें, हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम हारें, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम राज करें। हमने 60 साल तक राज किया है, हम गांधी परिवार हैं, हम अखिलेश यादव हैं, हम मायावती हैं, हम अरविंद केजरीवाल हैं। हम जीतेंगे तो मशीन ठीक है, हम हारेंगे तो मशीन गलत है। वाह भाई वाह, क्या बात है। सर मैं नीतीश कुमार जी की बात करूंगा, उन्होंने भी काफी तारीफ की, तो उसी पे पलटवार करते हुए लालू जी की पार्टी से भी बयान आया, कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने मोदी जी की मदद की यूपी जीतने में, अगर वो इलेक्शन लड़ते तो कहीं ना कहीं मोदी जी को थोड़ा सा एक सेटबैक मिलता इस चीज का। लालू जी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े जोकर हैं और अपनी बेहूदी भद्दी टिप्पणी के लिए कुख्यात, ये कभी भी किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हाल फिलहाल मुलायम सिंह से अपनी पुरानी रिश्ते के नाते, क्योंकि उनकी लड़की उनके घर गई है, मैं उनके बारे में खामोश रहता था, लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री को चील कौआ कहा तो मैंने बाध्य होकर के कहा कि आप राजनीति की मरी हुई लाश हैं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, तो सार्वजनिक जीवन का जो व्यक्ति चुनाव लड़ने से बाधित हो वो राजनीति की चलती फिरती लाश है, और जहाँ लाश होती है वहाँ चील कौवे उड़ते हैं, क्योंकि चील कौओं का स्वाभाविक आहार लाश होती है। तो जब आपको पता है कि चील कौवे उड़ रहे हैं तो उनका भोजन क्यों बनना चाहते हैं। और सचमुच में लालू ऐसे जो राजनीति के जिंदा लाश हैं, जो इधर उधर विचर रहे हैं, जो क्रांति का जो परिवर्तन है, जो उनकी नज़र में चील कौआ है, उनको आहार बना लेगा। और लालू जी के दल के एक नेता ने यह टिप्पणी की, और लालू जी के सुपुत्र ने उन नेता के विरुद्ध टिप्पणी कर दी है जो उनके बेटे हैं। तो बेटे ज़्यादा व्यवहारिक हैं, प्रासंगिक हैं, उन्हें मालूम है कि इस डूबती नाव में मुश्किल से मिली हुई सत्ता का एक जो प्रारूप है वो भी चलता बनेगा अगर नीतीश कुमार जी ऐसे विश्वसनीय, गंभीर नेतृत्व के विरुद्ध हम सार्वजनिक रूप से जाएंगे। लालू जी का आदर्श तेजाब से नहला करके लोगों को मार डालने वाला साहबुद्दीन है, और नीतीश जी का आदर्श वो ठोस नीतियां और संकल्प हैं, वो गंभीरता और शालीनता है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बावजूद भी उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया, मैंने और नीतीश जी, सिर्फ दो व्यक्तियों ने किया। तो नीतीश जैसे लोग राजनीति के वैभव, राजनीतिक वैभव की पराकाष्ठा में जाएं या न जाएं, लेकिन अपने सद्भाव के कारण, अपनी नीतियों के कारण कभी खत्म नहीं होंगे। और लालू जी ऐसे लोग अपनी वाचालता के कारण, अपरिपक्वता के कारण, राजनीतिक भौंडेपन और फुहड़पन के कारण जो हुआ है उससे भी बदतर स्थिति को जा सकते हैं। इससे खराब क्या होगा एक राजनेता के लिए कि आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते, आप जीवित हैं लेकिन आप मृत हैं राजनीति के लिए। राजनीति की चलती फिरती जीती जागती लाश का नाम है लालू प्रसाद यादव। सर आपको लगता है ये जो उत्तर प्रदेश में बदलाव आया, उत्तर प्रदेश को लोगों की जो एक सोच थी कि उत्तर प्रदेश जिसमें इतने सारे गुंडों के मामले आते हैं, इसमें रेप के मामले आते हैं, इन सबसे कहीं ऊपर उठकर अब उत्तर प्रदेश आगे आएगा? मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी जी। कल मैं दूरदर्शन में देख रहा था कि युवा नारा लगा रहे थे कि हमारा उत्तर प्रदेश रोगी है, उसको ठीक करने के लिए हमें योगी चाहिए। तो रोगी और योगी, रोगी उत्तर प्रदेश को योगी मिल रहा है, और जो भोगी राजनेता थे, रोगी योगी और भोगी, उत्तर प्रदेश रोगी है और सब नेता भोगी हैं, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी हैं। तो ये रोग योग और भोग, इसमें योग जो है सर्वश्रेष्ठ है, न भोग अच्छा है न रोग अच्छा है।